पेट डॉग जो गलत है, आप उसको खा थोड़ी रहे हैं, आप उसको रख रहे हैं, आप उस पर काबिज हैं, आपका उस पर स्वामित्व है। यानी हेव का प्रयोग पजेजन या कीप या स्वामित्व के अर्थ में अगर है तो उसमें आईएनजी कभी नहीं जोड़ना चाहिए, शुद्ध वाक्य बनेगा शी इज हैविंग एस यू डिजायर। तो इस हैविंग को काटो, इसको भी काटो, और एक वचन के रूप में क्या जाएगा, केवल हेज आ जाएगा, शी हैज ए स्विफ्ट डिजायर, शी हैज ए स्विफ्ट डिजायर। तो इस तरीके से आपको यह नियम बताना था मुझे कि इन जो जो क्रियाएं मैंने आपको लिखवा दी है, इन क्रियाओं के अंत में आई एन जी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। दीज वर्ड्स कैन नेवर बी यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता। हियर शब्द का प्रयोग हियर में आई एन जी जोड़ते हुए देखा जाता है, परंतु उसका मीनिंग और होता है। जैसे कोर्ट में हियरिंग चल रही है, तो हियरिंग वहां पर जिरंड का काम कर रहा है, वह हियर में जब आपने आईएनजी जोड़ा, सुनवाई एक संज्ञा का काम कर रहा है, तो उसको जिरंड कहते हैं, वो अलग बात है। बाकी सामान्य नियम दरअसल यही है कि ये क्रियाएं ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है और भी, पर ये मुख्य है, और इनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कभी भी नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से आपको ये जानकारी मैंने दी। इसके आगे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और समझाने जा रहा हूं। आपको लिखना चाहिए, जैसे मैंने आपको है कि सेंटेंस लिखना है एक बार, निशा निशा हेड नोट, निशा हेड नोट गॉन टू स्कूल यस्टरडे। देखो आप क्या बोला, निशा हैड नॉट गॉन टू स्कूल यस्टरडे। वाक्य गलत है, शुद्ध करना है आपको, शुद्ध करवाना इसलिए बता